नमस्कार लाइव कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे लंच में रोटी यानी चपाती और आलू की भुजिया। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही सिंपल है। आइए देखते हैं। इस आलू की भुजिया के लिए मैंने ये लाल आलू यूज करूंगी, चलिए, जो कि मैंने पहले से ही छील के रख रखा है। गोल गोल स्लाइस में पतले पतले होगा। अब इसको हम इस तरह से काटेंगे, जिस तरह से स्लाइस के आलू होते हैं, इस टाइप। ये आप जरूर घर में ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप पूरा वीडियो देखिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे वीडियो का अगर कोई नया देख रहा है तो प्लीज आप सब्सक्राइब। अगर आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब में देख रहे हैं तो इसमें मैंने फेसबुक का लिंक दिया है, आप वहां पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझे फेसबुक में देख रहे हैं तो यूट्यूब का लिंक दिया है, आप मुझे यूट्यूब में भी फॉलो कर सकते हैं लाइक। और एक ये मीडियम आकार का हम प्याज लेंगे, छील लेते हैं हम इसे पहले। और हम इस प्याज को इसी में ही काट लेंगे, लंबे लंबे पतले पतले स्लाइस में। अब हम रोटी की तैयारी कर लेते हैं। अच्छे से हम आटा गूंदेंगे। अच्छा आटा गूंदने से क्या होता है ना, रोटी नरम और फूली भी बनती है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे, उसके बाद हम और पानी देके इसको गूंदेंगे। इससे क्या होता है, आटा सॉफ्ट होता है और रोटी भी नरम बनती है और फूली फूली भी बनती है। इसलिए अब हम इसे कवर करके ढक देते हैं। हमने थोड़ी देर के लिए कवर करके आटा छोड़ दिया था, चलिए अब देखते हैं। देखिए सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे हम थोड़ा हल्का हल्का पानी देके आटा गूंदेंगे। इससे क्या होता है ना, ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और आटा भी अच्छा गूंदता है और रोटी भी फूली और नरम बनती है। चलिए हमारा आटा भी रेडी हो गया, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है ये। हमारा आटा भी गूंद चुका है और हमारी सब्जी भी कट चुकी है। इस भुजिया का ज्यादातर टेस्ट लाल आलू में आता है। आप वैसे नॉर्मल आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लाल आलू में इसका ज्यादा टेस्ट खुल के आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है और चलिए इसको, इस प्याज को हमने ऐसे मिला लिया। अब इसे हम धो देते हैं। इस हरी मिर्च को भी हम काट लेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है और हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डालते हैं। ये हम जीरा डालेंगे एक चम्मच, गैस स्लो कर देंगे। ले लो
लोहे की कढ़ाई यूज कर रही हूँ, आप कोई सी भी कढ़ाई यूज कर सकते हैं। हम कवर कर देते हैं। अब हम इस कढ़ाई को इस छोटे वाले गैस में रख देते हैं क्योंकि यहाँ हम रोटी बनाएंगे। भुजिया के लिए जो हमने लाल आलू का इस्तेमाल किया है, इसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है और जो नॉर्मल वैसे आलू होते हैं वो जल्दी पक जाते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक, मेरी रोटी थोड़ी बड़ी और मोटी होती है लेकिन ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट होती है क्योंकि मेरे घर में ज्यादा रोटी खाई जाती है, चावल कम खाया जाता है। पहले हम अच्छे से एक तरफ से रोटी अच्छे से सेक लेंगे इस तरह से। अब इसको इससे आपकी रोटी बहुत ही फूली फूली बनेगी। ये देखिए, ये देखिए, और ये बनके रेडी है। देखिए ये आलू पक चुके हैं। मैंने इसमें नमक बाद में इसलिए डाला था, अगर मैं पहले नमक डाल देती तो ये आलू सब टूट जाते और ये खिले खिले आलू की भुजिया नहीं बनती, इसलिए मैंने नमक लेट में डाला था और मैंने आलू को पहले अच्छे से फ्राई कर दिया।
हमारी आलू की भुजिया बनके रेडी है और हमारी रोटी भी रेडी हो गई है। चलिए करते हैं हम इसकी प्लेटिंग। लीजिए हमारा लंच, आलू की भुजिया और रोटी बनके रेडी है। देखिए हमारी रोटी कितनी सॉफ्ट और मुलायम है। आप भी ऐसे ही आटा गूंद के रोटी बनाइएगा और आपकी भी रोटी सॉफ्ट और मुलायम बनेगी। प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स में बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी।